हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे कि इन वैकेंसीज को कहाँ कहाँ निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मेरे चैनल का जो नाम है वो दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर है। तो जैसे आप यूट्यूब पे इसको डालेंगे तो आपको इस टाइप का मेरे चैनल का जो ऑफिशियल इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जॉब्स से रिलेटेड जो पोजिशन है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे वो आपका एमएससी पीएचडी रिलेटेड एडमिशन रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे वो साइंटिफिक साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट रिलेटेड वैकेंसी हो, तो मैं सारे टाइप की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप सीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आईसीएमआर जेआरएफ डीबीटी जेआरएफ गेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बीएससी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके वीडियोस को भी यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं या आप कोई भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस टाइप के वीडियोज़ को कभी भी मिस ना कर सकें और आप जो है रेगुलरली मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप जो है रेगुलरली देख सकें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नोटिफिकेशन आया, पहला ये आया इंस्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, यानी आईसर पुणे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन अंडर प्रोजेक्ट प्योरली ऑन टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पे आपका जो पोजीशन है वो टेम्परेरी पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए, पहली पोजीशन जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है। यहाँ पे इन्होंने नेम ऑफ प्रोजेक्ट मेंशन कर रखा है सास कोव टू बाइंडिंग टू इंटेग्रीन एंड देयर रेगुलेशन ऑफ सेल्फ एक्सेस। मिनिमल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एमएससी होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, सिस्टम बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिव और रिलेटेड डिसिप्लिन में। प्रेफरेंस विल बी गिवन विद मिनिमम 6 मंथ ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन सिस्टम बायोलॉजी एंड और बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी, हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी प्रिफर्ड। जॉब रिक्वायरमेंट आपको क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बायोलॉजी, बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल प्रेफरेंस पाइथन प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टिश्यू कल्चर स्किल्स, एक्सपर्ट एक्सपीरियंस इन वेस्टर्न ब्लॉट एंड कन्फोकल इमेजिंग। तो अगर ये आपको जो है यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट, ये आपको सारे काम करने हैं। और यहाँ पे टेन्योर जो रहेगा वो आपका रहेगा 1 ईयर एक्सटे तक, और इसके बाद ये बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द इंक्यूमेंट। ठीक है, कंसोलिडेटेड एमोलमेंट्स आपको जो मिलेगा वो 25,000 टू ₹32,000 बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और जो एज है वो नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं हम तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं सारी कंडीशन को, तो आप इसके लिए जो लाइक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो आपको उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के बेस पे ही आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इन सारी चीज़ लाइक एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया है बीएचयू से। तो यहाँ पे देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जेआरएफ की पोजीशन, जूनियर नर्स की पोजीशन को निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए, अपर एज लिमिट जेआरएफ की 28 ईयर्स है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 ईयर फॉर एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट्स को। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका एमएससी माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए और आपने एटलीस्ट नेट या गेट जो है वो क्वालिफाई किया होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है नॉलेज होनी चाहिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल्स में। और यहाँ पे आपका मंथली सैलरी जो दिया जाएगा वो 31,000 प्लस 16% एचआर एज पर मंथ। ऐसे यहाँ पे जूनियर नर्स की वैकेंसीज को निकाला गया है, तो उसके लिए भी तो आपको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना जो लाइक प्लेन पेपर पे नेम, परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंट एड्रेस, नेम ऑफ फादर एंड मदर, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल कैरियर एलॉन्ग विद योर अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एंड डिटेल्स ऑफ एनी रिसर्च और अदर एक्सपीरियंस, एंड यू हैव टू सेंड इट टू डॉक्टर प्रोफेसर तुहिना बनर्जी, डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बीएचयू वाराणसी, 221005। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर सिलेक्शन होता है आपका, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो अगर आप इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं, तभी आप जो है इसके लिए लाइक एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे देखिए, आर ए की जो पोजीशन है उसे निकाला गया। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ नंबर ऑफ पोस्ट वो 1 है, ड्यूरेशन आपका जुलाई 2023 है, और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका पीएचडी होना चाहिए जियोलॉजी में। ठीक है, तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा अगर आपके जो है रिफर जर्नल में आपके एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर होना भी कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपका 1 रिसर्च पब्लिकेशन है स्टैंडर्ड रिफर जर्नल में, तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस इन इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंटोमोलॉजी म्यूजियम स्पेसमैन, फेलोशिप 36,000 पर मंथ, और जो एज है वो 36 ईयर्स यहाँ पे होनी चाहिए एज ऑन लाइक 1/1/2021। तो मैक्सिमम एज जो 36 ईयर्स है। इसके बाद अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया है VIT वेलोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पे देखिए सीनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे फ्रॉम 0-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए आपको जो एमोलूमेंट्स आपका रहेगा वो रहेगा आपका 4 लाख से 4 लाख 25 हज़ार, यानी 4 लाख-4,25,000 पर एनम। तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अप्लाई बटन पर, आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका यहाँ पे SRF का पोजीशन रहेगा, और ICMR फंडेड प्रोजेक्ट है, और जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल है स्टडी ऑफ हेमोग्लोबिनेपैथीज एंड G6PD डिफिशेंसी एमंग ट्राइबल्स ऑफ फेलोर हिल तमिलनाडु। नंबर पोजीशन 1 है। इस सेंसर क्वालिफिकेशन में एमटेक या एमएससी इन लाइफ साइंसेस होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी विथ 2 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस। स्पेसिफिक स्किल्स में आपका ब्लड सैंपल कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, हेमेटोलॉजिकल एनालाइजिंग एक्सपीरियंस इन स्क्रीनिंग हेमोग्लोबिनोपैथीज HPLC एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस एंड राइटिंग। स्टाइपेंड आपको 35,000 प्लस 8% HRA। स्पॉन्सर जो है प्रोजेक्ट का वो है SEMR, और ड्यूरेशन है 7 मंथ, और इसे जो एक्सटेंड कर दिया कर सकते हैं फॉर 1 मोर ईयर डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। और जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर हैं वो डॉक्टर VG अभिलाष, असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर स्कूल ऑफ बायो साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेलोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा अच्छे से बता दिया गया है डिटेल्स में कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस और लेटेस्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो भी आपको सेंड करना है 29 अगस्त तक। ठीक है, तो अप्लाई विद योर रेज्यूम एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको अपना रेज्यूम के साथ आपको जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो आपको अटैच करने हो, चाहे वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, और आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो भी जो है सेंड करना है बिफोर 29 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सैलरी कितना आपको दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी, तो आप इसे लाइक जो है वो देख सकते हैं। यूजी डिग्री BSc बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, BTEC और BE इन बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, PG आपका MTEC इन बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल MS या MSc इन साइंस इन बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। तो आप जो है अगर ये सब क्वालिफिकेशन जो है आप अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया ये है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट नेम है मूवमेंट इकोलॉजी ऑफ टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस फॉर कॉन्फ्लिक्ट प्रेडिक्शन एंड लैंडस्केप मैनेजमेंट इन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कॉम्प्लेक्स साउथर्न इंडिया। तो यहाँ पे देखिए इंगेजमेंट पोजिशन प्रोजेक्ट टाइटल मेंशन कर रखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए 2 पोजिशन है, तो इक्वलेंट टू JRF एज पर DST वाइड डिजिग्नेशन। आपका मास्टर डिग्री नेचुरल एग्रीकल्चर साइंस MBBS में होना चाहिए, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ, और इक्वलेंट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपका डोमेन नॉलेज एक्सपीरियंस इन कैमरा टैपिंग, डिस्टेंस सैम्पलिंग, ह्यूमन कार्निवोर कॉन्फ्लिक्ट्स, टेलीमेट्री, स्पेटियल एनालिसिस एंड प्रोटेक्टिव मॉडलिंग इन्वॉल्विंग रिमोट सेंसिंग GIS टूल्स। स्कोप ऑफ वर्क मेंशन कर रखा है, लोकेशन मेंशन कर रखा है, यहाँ पे एज लिमिट 35 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, और जो एमोल्यूमेंट्स है वो आपको दिया जाएगा 31,000 प्लस HRA। ठीक है, तो ये उन लोग दिया जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी जो CSI UGC नेट क्लियर किया हो या गेट क्लियर किया हो। ठीक है, ड्यूरेशन 1 ईयर होगा, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्टिव पाया जाता है तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन जो आपका रहेगा विल बी विद द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू एंड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी। तो यहाँ पे आपको अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो सब इंटरव्यू के टाइम पे ले जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपको जितने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे PDF फॉर्मेट में, और आपको जितने भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स है जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन ETC आपको मेल कर देना है। यहाँ पे मेल ID ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो 31 अगस्त से पहले आपको मेल करना है। और यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो 3 सितंबर 2021 पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और जो इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा 6 सितंबर 2021 फ्रॉम 10 AM। ठीक है, तो आप अगर जो है आपको सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो आपको जब भी आप ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद आपको अपने सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स है वो सारा जो है आपको यहाँ पे अटैच करके मेल करना है। ठीक है, तो आई होप
आपको ये जो नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा, इसके अलावा कुछ और नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो एक तो नोटिफिकेशन वो हमारा आया है, वो आया है आपका ICGEB से, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए जॉब वैकेंसी इन ईस्ट बायो फ्यूल ग्रुप के लिए वैकेंसीज को निकाला गया। तो यहाँ पे देखिए JRF की एक वैकेंसी है, तो ईस्ट बायो फ्यूल ग्रुप में अगर आपको लाइक बायो फ्यूल में इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो MSc या MTech होना चाहिए लाइफ साइंसेज में या बायो टेक्नोलॉजी या बायो साइंस में, और आपका नेट या गेट कंपलसरी क्वालिफाई हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस ईस्ट मॉलिकुलर बायोलॉजी में या आपका क्लोनिंग में या मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में या प्रोटीन एक्सप्रेशन या कंप्यूटेशन बायोलॉजी NGS डाटा में, तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना CV अलॉन्ग विद योर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रिसर्च एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद यू हैव टू अटैच 2 references बाई September 5। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा कि जो प्रोजेक्ट है ये डॉक्टर नसीम गौर के, इसके आप PI प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। तो आप आपको जितने भी आपका CV के साथ अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स और आपका रिसर्च एक्सपीरियंस और आपके 2 references एटलीस्ट जो है आपको सेंड कर देना है। तो ईमेल आईडी यहाँ पे मैंसन कर रखा है, तो इस मेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।